दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड हर एक सवाल को डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, पहले एक बार हम वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी लोन में एक सिक्योर्ड लोन क्या होता है और एक अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। उसके बाद हम जैसे HDFC बैंक से पर्सनल लोन जब लेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन कैसे मिलता है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन कैसे मिलता है। अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का फर्क समझने के बाद एक फर्क ये भी होता है कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और यहां पर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अब ये जो दोनों चीजें ना, ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बीच के फर्क को भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या फर्क होता है और कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन लेना चाहिए। अच्छा जी, ये सब कुछ होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा HDFC बैंक पर्सनल लोन का कैलकुलेटर। अब पर्सनल लोन कैलकुलेटर हम ऑफिशियल इसकी जो HDFC बैंक की वेबसाइट है वहां पे जाके चेक करेंगे कि मान लो अगर किसी ने 1,00,000 रुपए का लोन ले लिया पर्सनल लोन तो उसकी महीने की कितनी EMI बनेगी, किसी ने 5,00,000 का पर्सनल लोन ले लिया तो महीने की कितनी बनेगी, 10,00,000, 20,00,000, 2-3 हम एग्जांपल अलग-अलग लेके समझेंगे कि मान लो आपने पर्सनल लोन लिया तो आपकी हर महीने की EMI कितनी बनेगी। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं मतलब पर्सनल लोन से रिलेटेड की, जैसे मान लो आज मैंने 5,00,000 का पर्सनल लोन ले लिया, मान लो मैंने अगले 4 सालों के लिए ले लिया, ठीक है जी। अब मैं 2 साल हो गए पैसा भरते भरते हर महीने EMI भर रहा हूँ, उसके बाद मान लो मेरे पास कहीं से इकट्ठा पैसा आ गया तो क्या मैं इकट्ठा भर सकता हूँ, यानी फोरक्लोजर अलाउड है, या फिर कुछ ना कुछ पार्ट पेमेंट्स कर दी मैंने कि मान लो मेरी किश्त तो है 10,000 रुपये तो क्या मैं 10 की जगह 15,000 भर सकता हूँ। तो ये जो भी HDFC बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड जो भी बेसिक सवाल होंगे फिर हम ये डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा फिर प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अपने लिए HDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मतलब आप खुद भी कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन अप्लाई करने से पहले पर्सनल लोन है क्या, मतलब उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो लोन है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो पहले उस चीज को हम समझते हैं, एक बार वो सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो सब चीजें हो जाएंगी एक एक करके। अब यहां पे वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आती है कि मान लो मैं लोन लेने गया, ठीक है जी। अब मैं जब लोन लेने जा रहा हूं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हम होम लोन लेते हैं, ठीक है जी, या फिर जब भी हम कार लोन लेते हैं, इन सबके जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये लगा के चलो 8-10% के आसपास ही झूलते रहते हैं। लेकिन मान लो मैं पर्सनल लोन लेने के लिए चला गया, पर्सनल लोन मैं ये नहीं कह रहा कि HDFC बैंक के महंगे हैं, आप किसी भी बैंक में चले जाओ ये झूलते हैं, कम से कम भी मान के चलो कोई भी बैंक होगा ना वो 10% से शुरू होएगा और ये लगभग 25-30-35 कोई अंत ही नहीं है, 30-35% तक भी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 8% पे दे रहे हो, कोई भी बैंक होगा वो कहेगा 8% पे ले लो, 10% पे ले लो, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा 11-12% पे, इससे ऊपर कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। लेकिन पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने महंगे क्यों होते हैं, उसका कारण ये है कि जो होम लोन है ये हमारा सिक्योर्ड लोन है, जो कार लोन है ये भी हमारा सिक्योर्ड लोन है, लेकिन हमारा पर्सनल लोन जो है ये अनसिक्योर्ड लोन है। अब ये सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है, मान लो आपने होम लोन ले लिया 8% पे, ठीक है जी। अब कल को कोई कस्टमर इस होम लोन को नहीं भर पा रहा तो बैंक क्या करेगा, इस घर को खाली करवाएगा, कस्टमर से खाली करवा लेगा, इस घर को बेच देगा और अपना पैसा पूरा कर लेगा। कार लोन भी यही सीन है, मान लो आपने 10% पे कार लोन ले लिया, कल को कस्टमर पैसा नहीं भर पा रहा, ठीक है, जिसने भी कार लोन लिया वो पैसा नहीं भर पा रहा, तो बैंक के पास क्या इलाज है अपना पैसा रिकवर करने के लिए, बैंक क्या करेगा, इसी गाड़ी जब्त करेगा, गाड़ी मार्केट में बेचेगा और अपना पैसा रिकवर करेगा। यानी ये क्या है, सिक्योर्ड लोन है, एक सिक्योरिटी है बैंक के पास कि कल को कस्टमर पैसा नहीं भरेगा तो बैंक के पास एक सिक्योरिटी तो है एटलीस्ट कि उस चीज को बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन जब हम बैंक से पर्सनल लोन लेने जाते हैं, ठीक है, मान लो आपको चाहे 5,00,000 का लोन चाहिए चाहे 50,00,000 का लोन चाहिए, बैंक आपको ये तो कहेगा नहीं कि आप कोई ना कोई चीज आप बैंक के पास गिरवी रखो, सिर्फ आपके सिविल स्कोर पे और आपको ट्रस्ट करके आपकी सैलरी स्लिप वगैरह यही देख के ही तो आपको बैंक लोन देगा, कोई चीज गिरवी तो हमें रखनी नहीं। मान लो मेरी सैलरी 50,000 रुपए, ठीक है जी, और बैंक ने मेरे को 15,00,000 रुपए का पर्सनल लोन दे दिया एक बार के लिए, मान लो कल को मैं इस पैसे को नहीं भर पाता, ठीक है जी, मान लो मैं कुछ किस्तें भरी फिर मैं ऐसा होगा कि मतलब कि नहीं भर पा रहा, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आ गई तो ठीक है, एक ये बात ठीक है कि कोर्ट में जो है बैंक अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स करता रहेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या उससे बैंक का पैसा रिकवर हो गया,
नहीं हुआ ना, मान लो कि ये कस्टमर भले जेल में चला जाए, ठीक है जी, लेकिन इसके जेल में जाने से क्या क्या बैंक का पैसा पूरा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यही रीजन है बैंक के जो पर्सनल, किसी भी बैंक का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप उठाओगे तो वो बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे। सिर्फ यही कारण है क्योंकि बैंक को लगता है कि इसके जो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, सिर्फ यही कारण है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको पहली चीज समझ आ गई होगी कि पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं और आपके जो दूसरे लोन है जैसे होम लोन, कार लोन, ये जो है ये सिक्योर्ड लोन्स हैं। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन का और एग्जांपल और क्या हो सकता है? देखो, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ये भी अनसिक्योर्ड लोन है। क्यों? क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तब भी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखते। मान लो किसी ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज कर ली और बैंक को पैसा नहीं दिया, तो उस केस में आपने देखा होगा कि बैंक दबा के, मतलब ये मान के चलो कि 40-42% के आसपास सालाना इंटरेस्ट और 40-42% के आसपास लेट पेमेंट फीस इंपोज करता है, यानी 80-85% की एक तरह से फीस इंपोज कर देता है आपके ऊपर। क्यों करता है? क्योंकि बैंक को पता है कि कहीं ये डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि है तो क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन भी अनसिक्योर्ड लोन, इसीलिए इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा महंगे होते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब यहां पर अगला सवाल हमारा ये है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क है, ठीक है जी। अब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी मान लो आज आपने एक पर्सनल लोन ले लिया 20% पे और अगले 4 सालों के लिए आपने 4 ईयर्स के लिए आपने पर्सनल लोन ले लिया, तो अगले 4 सालों तक चाहे RBI अपनी रेपो रेट को बढ़ाए चाहे घटाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आज आपकी किस्त है वो अगले 4 सालों तक सेम ही रहने वाली है, इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि देखो, आज की डेट में ना हर एक बैंक ने अपने लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI की रेपो रेट के साथ लिंक कर दिए, जिसे हम बोलते हैं RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। यानी होता क्या है, RBI हर 2 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में या तो रेपो रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो मान लो कल को, मान लो आपने चूज किया फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, आज आपने लोन लिया 20% पे अगले 4 सालों के लिए, ठीक है जी, लेकिन कल को RBI अपनी रेपो रेट बढ़ा देता है, तो आपका जो लोन है ना, जो एक तरह से आपका इंटरेस्ट रेट था, तो ये 20% से बढ़ के हो सकता है 22% पे चला जाए, या फिर कल को मान लो आपकी जो रेपो रेट है वो घट जाती है, तो हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो घट के 18% पे आ जाए, तो आपकी EMI अगले महीने बढ़ भी सकती है और अगले महीने घट भी सकती है। ये होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है, एक होता है कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो आज आपने सपोज 20% पे अगले 4 सालों के लिए लोन ले लिया, ठीक है जी, सेम कंडीशन लेके चलते हैं, आपने लोन लिया फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, एक उदाहरण लेके चलते हैं, मान लो जो भी आपने अमाउंट का लोन लिया लेकिन आपकी जो हर महीने किस्त बन रही थी ना वो 10,000 रुपये बन रही थी, ठीक है, सपोज करो कि आपने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 5 लाख का आपने लोन लिया और हर महीने आपकी किस्त 10,000 रुपये बन रही थी, ठीक है जी, आपने लिया फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझो यहाँ पे पहले महीने जब आप अपनी किस्त भरोगे, यानी आपने 10,000 रुपये भर दिए, ठीक है, तो इसमें से 5 लाख रुपये जो आपकी अमाउंट थी, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो धीरे धीरे अगले महीने थोड़ी तो अमाउंट कम हुई होगी ना, तो अगर आपने फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया ना तो अगले महीने भी आपके ऊपर इसी अमाउंट के ऊपर ही ब्याज लगेगा। यानी कहने का मतलब आज जो आपकी किस्त बन गई, यानी आज अगर आपकी 10,000 रुपये किस्त बन गई ना, तो आपकी आखिरी किस्त भी 10,000 रुपये ही होगी। लेकिन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि 5 लाख का लोन था, पहले महीने आपने 10,000 रुपये भर दिए, अब इस 5 लाख में से कुछ तो अमाउंट कम हुई होगी, जो भी अब बची हुई अमाउंट है उसके ऊपर आपको 20% के हिसाब से ब्याज लगेगा। यानी जैसे जैसे आपकी अमाउंट कम होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी EMI भी कम होती चली जाएगी। यानी अगर आज आप 10,000 रुपये भर रहे हो तो आपकी आखिरी किस्त 10,000 रुपये की नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोन कम होता चला जा रहा है, मान लो आज 5 लाख का लोन है, अब आज से थोड़े टाइम बाद मान लो 2 साल बाद ये लोन 2.5 लाख रुपये का बच जाएगा, तो 2.5 लाख रुपये के ऊपर 20% लग रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमेशा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही प्रेफर करना। देखो कभी भी कंपेयर करो, मान लो सपोज करो एक एग्जांपल, बैंक ए है और एक है बैंक बी, आपने लोन लेना है पर्सनल लोन, एक बैंक कहता है मैं 20% पे लोन दूंगा, दूसरा कहता है 18% पे दूंगा, 20% वाला कहता है मैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा लेकिन 18% वाला कहता है मैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लूंगा, तो आपको 20% वाले से लोन लेना है, क्योंकि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात वही पड़ेगी आपको, बल्कि सस्ता ही पड़ेगा, तो इस चीज को भी कंपेयर करते टाइम जरूर देखना। अब यहां पे HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे या फिर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी आप अप्लाई करो, देखो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैं सारा कुछ बता दूंगा, लेकिन ब्रांच से अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप ये सारे सवाल क्लियर कर पाओगे कि आप
कौन सा दे रहे हो, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो या रिड्यूसिंग दे रहे हो, अच्छा जी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। अच्छा इस केस में भी आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेफर करना है। फ्लोटिंग हम प्रेफर करते हैं जब हम होम लोन लेते हैं, क्योंकि होम लोन का टेन्योर जो होता है ना टाइम पीरियड वो 30 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है, इसलिए उसमें हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रेफर कर लेते हैं। लेकिन पर्सनल लोन का टेन्योर कितना है, ज्यादा से ज्यादा 6 साल के लिए आपको कोई पर्सनल लोन दे देगा, तो इस केस में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही प्रेफर करना है और नीचे आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेफर करना है। तो ये चीज आपको प्रेफर करनी है, इसलिए जब भी कंपेयर करो मेरी पर्सनली यही सजेशन रहेगी कि ब्रांच जाके कंपेयर करो, ताकि आप जब भी अप्लाई भी करो तब भी ब्रांच जाके करो, क्योंकि ये जो आपके सवाल है ना ये ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन क्या होता है, गए अप्लाई किया ना तो इतनी चीजें वो आपको दिखाएगा ना आपकी इतनी चीजें आपके दिमाग में आएगी, बस आपको ये होगा कि पर्सनल लोन मिल जाए, कैसे मिल रहा है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा। लेकिन जब आप ब्रांच जाओगे ना, मान लो भारत में 20 बैंक है ना, तो 20 के 20 ब्रांच जाओ, हर एक ब्रांच में जाओ, एक डायरी लेके लिखो उसके अंदर कि ये कितना दे रहा है, रिड्यूसिंग दे रहा है, फ्लैट दे रहा है, क्या दे रहा है, हर एक को कंपेयर करो, उसके बाद ब्रांच से ही अप्लाई करो, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर रहे। ऑनलाइन अप्लाई करने में यही नुकसान है, क्योंकि उस टाइम हमें इच्छा ये होती है कि बस फटाफट से हमें लोन मिल जाए, कंपेयर तो हम करते ही नहीं है। तो ये एक बार सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हमने दो चीजें कवर कर ली यहाँ पे, तीन चीजें कवर कर ली, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पता लग गया कि क्यों पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके बाद हमें ये पता लग गया कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग में क्या फर्क है, फिर हमें ये पता लग गया रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लैट इंटरेस्ट जो रेट है उसमें क्या फर्क है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि HDFC बैंक पर्सनल लोन जो है, इसमें पर्सनल लोन में क्या होता है कि हर एक बैंक, ऐसा नहीं कि HDFC बैंक, ये ना प्री अप्रूव्ड लोन देते हैं। मान लो आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा, आपने पीछे कोई लोन लिया हो और टाइम से भर दिया, आपकी सैलरी वैलरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये ना प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर सिर्फ उसे आएंगे जिसका HDFC बैंक में अकाउंट है, जिसका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है उसे तो अप्लाई ही करना पड़ेगा अगर HDFC बैंक से उसे पर्सनल लोन लेना है तो, ठीक है जी। तो प्री अप्रूव्ड लोन का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सैलरी स्लिप इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अप्लाई करो, ठीक है, चाहे तो HDFC बैंक की ऐप से अप्लाई करो चाहे ऑनलाइन अप्लाई कर लो, आपको सीधा लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो तो उस केस में मान लो प्री अप्रूव्ड लोन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, उसके बाद अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स देनी होगी और अपनी जो भी KYC है यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो किसी को 5 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है और वो चाहता है कि उसे 5 सालों के लिए लोन मिल जाए। इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि मान लो कि 15% के इंटरेस्ट रेट को उसे लोन मिल रहा है, तो नीचे हम सीधा कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका आ गया कि उसकी जो मंथली EMI बनेगी ना अगले 5 सालों तक वो बनेगी 11,895 रुपए, या फिर अब यहां पे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, मान लो किसी को 10 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अब इस केस में अगर मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, 5 सालों के लिए लोन है और 15% पे ही लोन है, तो उसकी मंथली EMI बन रही है 23,790 रुपए। अब अगर आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, आपको लगता है कि आपका सिबिल स्कोर ठीक है और बैंक आपको 12% पे दे देता है, ठीक है जी, 3% कम हो गया, तो यहाँ मंथली EMI देखो घट के आ गई है 22,244 रुपए के ऊपर। तो ये सीधा HDFC बैंक का कैलकुलेटर है, आपको डायरेक्ट भी आप आ सकते हो, सीधा आप अगर गूगल क्रोम पे जाके लिखोगे HDFC बैंक पर्सनल लोन कैलकुलेटर, तो सीधा जो भी पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आपके सामने ये HDFC बैंक पर्सनल लोन का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो इसे आप इजीली यूज करो, देखो कि आपको कितनी अमाउंट का लोन चाहिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डालोगे कितने टाइम पीरियड के लिए लोन आपको चाहिए और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक अभी हाल फिलहाल, जैसे आप जब बैंक से नेगोशिएट करोगे तो कितने पे आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक मान रहा है आपको लोन देने के लिए, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट डाल के कैलकुलेट जब आप करोगे तो नीचे आप EMI देख सकते हो कि आपको हर महीने फिर कितनी EMI बननी है, तो भरनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से कैलकुलेटर काफी काम की चीज होती है। तो आप अपना ये भी चेक कर सकते हो कि उतनी EMI आप अफोर्ड भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने लोन अमाउंट को एडजस्ट कर लेना उस हिसाब से, तो जो भी आपका कंफर्ट है। तो कैलकुलेटर काफी अच्छी चीज है, आपको यूज करनी चाहिए पर्सनल लोन लेने से पहले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो HDFC बैंक पर्सनल लोन है, ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक सवालों को, ठीक है। अब ये बेसिक सवाल डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज और बीच में रोकता हूँ, इससे पहले हमने अपने चैनल पे बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो डाली है, ठीक है, मैप से रिलेटेड, आपका बहुत प्यार मिला, कुछ कुछ जो शॉर्ट वीडियोज हैं उसमें करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए, तो वो आपका ही प्यार था। अब हमने मैप की जो वीडियोज है, क्योंकि काफी अच्छे से हम एनिमेट करते हैं हमारे एडिटर्स जो मैप की वीडियोज हैं, तो वो मैप
की जो वीडियोज हैं, अब एक अलग चैनल उसके लिए हमने ओपन कर लिया है अंकित मदान ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। वहां उस नए चैनल पे आपको सारी मैप से रिलेटेड अब वीडियोज मिलेंगे, ठीक है। तो अंकित मदान ऑफिशियल चैनल है, उसे आप प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने कुछ बेसिक सवालों पर। यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि HDFC बैंक से अगर मैं पर्सनल लोन लेने जाता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कितनी अमाउंट का पर्सनल लोन मिलेगा। तो इस केस में HDFC बैंक बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए का पर्सनल लोन HDFC बैंक से अवेल कर सकते हो। दूसरा सवाल ये आता है कि ठीक है, मान लो मैंने सपोज करो कि 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन HDFC बैंक से लिया, ठीक है, मैंने 5 सालों के लिए लिया और मैं मान लो यहां पे 2 सालों तक 2 years तक तो मैं रेगुलरली जो मेरी EMI थी मैं लगातार भर ही रहा था, लेकिन उसके बाद मान लो मेरे पास कुछ इकट्ठा पैसा आ गया और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी मेरा पेंडिंग लोन है मैं इकट्ठा 1 go में क्लोज करना चाहता हूँ। तो सवाल आता है कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे HDFC बैंक ये बोलता है कि आप देखो, कभी भी कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि आप उसका लोन को फोरक्लोज करो। फोरक्लोज यानी समय से पहले भरो, क्योंकि जब आप टाइम के साथ साथ हर महीने अपनी EMI भर रहे हो और एक लंबे टाइम तक लोन को चला रहे हो तो बैंक को ब्याज मिलता है और ब्याज कमाने के लिए ही बैंक बैठा है। अगर आप फोरक्लोज कर दोगे तो लोन ही क्लोज हो गया, बैंक को उसका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी छोटा मोटा जो इंटरेस्ट था वो मिल गया, लेकिन बैंक ज्यादा ब्याज आपसे नहीं कमा पाया। तो इसलिए हर बैंक बोलता है कि अगर समय से पहले लोन क्लोज करोगे तो मैं आपके ऊपर एक चार्ज इंपोज करूंगा, यानी पेनल्टी लगाऊंगा आपके ऊपर। लेकिन HDFC बैंक ये बोलता है कि अगर एक कंडीशन ये दे रहा है, अगर आपकी जो मंथली सैलरी है अगर वो 75,000 रुपए से ज्यादा है और आपका जो लोन है अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, इस केस में अगर आप फोरक्लोजर भी करते हो तो मैं आपके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज नहीं करूंगा। लेकिन इसकी एक और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपको 12 EMI तो भरनी ही पड़ेगी। बैंक बोलता है कि 12 EMI से पहले तो मेरे पास आ भी मत जाना, फोरक्लोजर की बात भी मत करना, कम से कम 12 EMI तो आपको भरनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि मान लो कि मेरी ना तो सैलरी 75,000 से ज्यादा, ना ही मेरा लोन 10 लाख से ज्यादा, लेकिन फिर भी मुझे अगर फ्लोर क्लोज करना है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस केस में बैंक बोलते हैं कि 12 EMI तो आपको कम से कम भरनी पड़ेगी, उससे पहले तो बात ही नहीं हो सकती। अगर मान लो आप चाहते हो 12 EMI से 24 EMI के बीच में अगर आप कहीं खड़े हो, मान लो आपने 18 EMI भरी है और अब अगर आप चाहते हो कि लोन को मेरा फोरक्लोज कर दो, तो इस केस में HDFC बैंक कहता है कि जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग है, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, पेंडिंग इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिंसिपल पेंडिंग की बात कर रहा हूं, उसका 4% एज अ पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज होगी। मान लो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपए पेंडिंग है तो 5 लाख का 4% यानी 5 × 4 = 20 यानी 20,000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर बैंक इंपोज करेगा, ठीक है। अब मान लो आप खड़े हो 24 EMI से लेकर के सपोज यहां पे 36 EMI के बीच में खड़े हो, मान लो आपने लेट सपोज 28 EMI भर दी, तो इस केस में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग है उसका 3%, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट इस टाइम पे 5 लाख रुपए पेंडिंग है तो 5 × 3 15,000 रुपए आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। लेकिन अगर मान लो आप खड़े हो 36 महीनों के आगे, ठीक है, 36 EMI आप भर चुके हो और मान लो आप 38 EMI भर चुके हो, ठीक है जी, तो इस केस में क्योंकि 36 से ज्यादा भर चुके हो EMI, तो इस केस में अगर आप अब फोर क्लोजर करना चाहते हो तो पेंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट का 2% आपको एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा बैंक को। इसके अलावा जब भी हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं ना तो बैंक हमारे से एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, जिसे हम फाइल चार्ज ही बोलते हैं। तो इस केस में HDFC बैंक भी अपने पर्सनल लोन के लिए हमसे एक फीस चार्ज कर रहा है। अब ये फीस कितनी है, तो यहाँ पे 4,999 रुपीज प्लस 18% GST, तो ये प्रोसेसिंग फीस है। और याद रखना, प्रोसेसिंग फीस हमेशा नेगोशिएबल होती है, ठीक है जी। आप बैंक में जाओ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ऑनलाइन अप्लाई के चक्करों में ज्यादा मत पड़ना, मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। छोटा मोटा लोन लेना है तो भले ही कर लेना, लेकिन बड़ी अमाउंट का अगर पर्सनल लोन लेना है तो बैंक में जाओ, हर चीज की नेगोशिएशन है। बैंक में आपको जाना है, प्रोसेसिंग फीस के लिए नेगोशिएट करना है। मतलब मैंने खुद, मेरा 5 साल बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया है, मैंने ये भी देखा है लोग जब बैंक 1.5% प्रोसेसिंग फीस इंपोज करता है ना, तो कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना, बड़े बड़े जो कस्टमर्स होते हैं बैंक को खींच के 0.25% पे भी ले आते हैं, XYZ मान लो कोई भी लोन हो, भले बिजनेस लोन हो या कोई भी हो, तो इतनी नेगोशिएशन चलती है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप एक चीज़ को समझो, बैंक नेगोशिएट करता है, ठीक है जी। प्रोसेसिंग फीस आपको नेगोशिएट करनी है, इतनी ज़्यादा पे हमें करनी ही नहीं है, ये तो बैंक का काम है, लिख देना कि इतनी प्रोसेसिंग फीस है जी। मान लो
अब आपको खुद पता है कि इतनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है इंडिया में। बैंक ने जो लिख दिया, इसमें से ये मान के चलो कि 70% कस्टमर तो नेगोशिएट भी नहीं करते, उनको तो ये होता है कि लोन मिल जाए जैसे तैसे भी करके। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपके पास है तो आप बैंक में जाओ, नेगोशिएट करो, जितनी आपको लोन लेने की उत्सुकता है उससे ज्यादा उसको लोन बेचने की उत्सुकता है बैंक वाले को, क्योंकि हर एक बैंक कर्मचारी के ऊपर आज की डेट में टारगेट हो रखे हैं। तो आप इस चीज को भूल जाओ कि आपको ही है पर्सनल लोन लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट, बैंक की भी रिक्वायरमेंट आपसे ज्यादा है उसको बेचने की, ठीक है। तो ये सब चीजें नेगोशिएट होती है। इंटरेस्ट रेट HDFC बैंक के कितने हैं, ये बोलते हैं कि कम से कम, भले आप टीस्मार खान हो, भले आप कितना ही अच्छा सिविल स्कोर रखते हो, कम से कम आपको 10.5% का तो हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे ही करेंगे, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है 25%, ठीक है जी, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा खराब सिविल स्कोर है कि 25% देना पड़ रहा है लोन, तो इससे भी ज्यादा खराब अगर है तो फिर लोन रिजेक्ट ही हो जाएगा। मैक्सिमम 25% तक ये लोग चार्ज करते हैं। कितने टाइम के लिए मिलेगा ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, कोई बैंक 5 सालों के लिए देता है, कोई 6 के लिए देता है, इससे ज्यादा रेयर केसेस होते हैं कि नहीं जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे HDFC बैंक भी ये बोलते हैं कि कम से कम 3 महीनों के लिए तो लेना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप जो है 6 सालों के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो, ठीक है। एक होती है पर्सनल लोन टॉपअप। टॉपअप क्या होता है, मान लो मैंने आज 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया, ठीक है जी। अब 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया, ये मैं टाइम से भर रहा हूँ, रेगुलरली भर रहा हूँ, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए के लोन की और रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है, कुछ भी काम पड़ गया। तो जब हम लोन के ऊपर एक और लोन ले लेते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं लोन टॉपअप। ये होम लोन में भी देखा जाता है, जैसे हम होम लोन टॉपअप बोल देते हैं, ऐसे ही पर्सनल लोन में भी यही चीज है, इसे हम पर्सनल लोन टॉपअप बोल देते हैं, ठीक है। एक होती है बैलेंस ऑफ ट्रांसफर फैसिलिटी। जैसे मान लो आज आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हो, ठीक है जी, और मान लो आपको 15% पे HDFC बैंक ने पर्सनल लोन दे दिया। थोड़े टाइम बाद सपोज करो SBI आपको अप्रोच करता है, या आप SBI में गए, ठीक है, SBI बोलता है हमारा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है, हम आपको 12% पे दे देंगे, और आपका HDFC बैंक में पर्सनल लोन पेंडिंग है मान लो अभी 10 लाख रुपए का। तो आप इस लोन को जब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते होगा क्या, SBI जो भी पैसा है वो HDFC बैंक को दे देगा, एक बार सारा पैसा दे देगा, ये लोन आपके SBI में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने देखा सामने वाला जो बैंक है वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो आपने जब लोन ट्रांसफर कर लिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं BT, यानी बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। ये होम लोन में बहुत कॉमन है, क्योंकि होम लोन क्या होता है ना, एक लंबे समय का लोन है, 30-30 सालों के लिए लोन है। तो 30 सालों में अगर आपको, और लोन अमाउंट भी ज्यादा होता है, किसी का 50 लाख 60 लाख तो आम बात है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, क्योंकि घर बहुत महंगी चीज है, 30 सालों में आपको भरना है, तो उसमें तो 0.5% का भी अगर फर्क आ जाए तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि मेरा तो इतना पैसा बच जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी होम लोन की वीडियो में यही समझाया था कि कैलकुलेटर में कि 0.5% से ही आपको 15 से 20 लाख रुपए का, जब हमने कैलकुलेट किया था अमाउंट, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट मैंने क्या ली थी, 15-20 लाख रुपए का फर्क आ रहा था। तो बड़ा टेन्योर बड़ा है ना, ये लगा लो कि होम लोन में तो अगर मैं 10 लाख का होम लोन ले रहा हूं तो मेरा, और 30 सालों के लिए ले रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट ही 10 लाख से ज्यादा का बन जाता है। तो क्योंकि टाइम बड़ा है इसलिए ब्याज बड़ा हो जाता है। तो वहां बैलेंस ऑफ ट्रांसफर जो चीज है ना बहुत कॉमन है, पर्सनल लोन में इतनी कॉमन नहीं है, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और होती है, बैंक आपको ना बहुत इंसिस्ट करेगा कि भाई आप इंश्योरेंस परचेज करो। क्यों परचेज करो, मान लो आप, बैंक कहेगा आप 10 लाख का लोन तो ले रहे हो, वो भी पर्सनल लोन ले रहे हो, कल को मान लो आपको कुछ हो जाए, ठीक है जी, ये आप हो, आपको कुछ हो जाए तो हम आपकी फैमिली से पैसा रिकवर कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते ना, इनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो हम फैमिली को प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो बैंक आपके ऊपर पूरा फोर्स डालेगा कि आप हमसे कोई ना कोई एक इंश्योरेंस परचेज करो। अब इंश्योरेंस कितने का परचेज करो, तो बैंक कहेगा कि जितने का भी लोन है ना उतने का एटलीस्ट आप हम एक लाइफ इंश्योरेंस परचेज करो, कि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको कुछ अगर हो गया तो आपकी फैमिली से, हमें आपकी फैमिली को डिस्टर्ब ना करना पड़े हमें, और हम इजीली जो है अपना पैसा रिकवर कर लें। तो ये चीज भी एक बहुत कॉमन हो गई है पर्सनल लोन के टाइम पे, बैंक एक तरह से इसको ना क्रॉस सेल के रूप में देखता है, ठीक है, क्रॉस सेलिंग के रूप में देखता है कि हाँ जी कुछ ना कुछ क्रॉस सेल करना है। अच्छा, अब कई कई केसेस में तो क्या कहेगा बैंक, ये एक लाइफ इंश्योरेंस तो लो ही लो, साथ में आप क्रिटिकल इलनेस अगर आपको हो जाती है तो वो भी इंश्योरेंस लो, एक्सीडेंट कवर भी लो, कल को एक्सीडेंट हो गया, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई तो उस केस में भी फैमिली को हम डिस्टर्ब ना करें, हमारा पैसा इजीली रिकवर हो जाए। यानी भाई लोन ले रहे हैं आप, इतनी ज्यादा पॉलिसियां मत चिपकाओ ना, तो इसमें भी आपको नेगोशिएट करना है। अगर ऑलरेडी कोई आपका लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है तो फिर भी बैंक की, देखो बैंक क्या है ना, अगर मान लो आपका XYZ किसी दूसरी कंपनी से कोई एक लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा कि हमसे ही लो। तो क्यों लो भाई, क्योंकि इनको क्रॉस सेल करना है, इनको एक प्रोडक्ट बेचना है अपना, ठीक है, इनके ऊपर
इतना प्रेशर है कि ये कहेंगे हमसे ही लो, ऑलरेडी अगर ले रखा है ना उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो आपको यही देखनी है कि ठीक है ले लो, क्योंकि बहुत महंगा नहीं आने वाला, एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, ताकि कल को भगवान न करे अगर कुछ हो भी जाए तो उस केस में भी फैमिली पे कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो, अगर ऑलरेडी ले रखा है तो उसी को ही दो, आपको नया लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज ये याद रखनी है, बहुत ज्यादा उत्सुकता आपको नहीं दिखानी कि बस पर्सनल लोन एक बार मेरे को मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर। अगर आप ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाओगे तो बहुत एडवांटेज फिर बैंक आपके ऊपर उठाने लगेगा कि ये आपको लेना ही पड़ेगा अदरवाइज। और ये पता है कब बताएंगे, आपका प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है, आप पैन कार्ड आधार कार्ड ये वेरिफिकेशन होगी, सैलरी स्लिप वेरीफाई कर ली, सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। अब ये सब वेरिफिकेशन जैसे जैसे होता जाएगा ना, जब आपको एक तरह से सेंक्शन लेटर मिलेगा ना, जी हम आपको इतने का लोन दे देंगे, ठीक है, आप कहोगे ठीक है मेरे को लोन डिसबर्स करवा दो, उस टाइम पे जब आप फुल एक्साइटमेंट में आ चुके होगे ना कि हाँ जी अब तो लोन मिलने वाला है, उस टाइम पे आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, आपको ये तो लेना ही पड़ेगा, दो चार चीजें और चिपकाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पैर पीछे भी नहीं खींचना चाहोगे, ऐसे पॉइंट पे आपको फंसाएंगे। तो डे वन से ही अपनी नेगोशिएशन क्लियर रखो बैंक के साथ कि क्या चीजें हैं, जो भी चीजें हैं क्लियर एकदम कट में आप बैंक के साथ बात करो, सारी चीजें नेगोशिएट करो, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो। अब एक बार इसके बाद हम ये देखते हैं कि HDFC बैंक के पर्सनल लोन के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अब HDFC बैंक पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर लिखना है HDFC बैंक पर्सनल लोन अप्लाई ऑनलाइन, और जो भी आपको पहला ऑफिशियल लिंक दिखाई दे रहा है HDFC बैंक का, इस ऑफिशियल लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा बीचों बीच दिखाई दे रहा है पर्सनल लोन। देखो यहाँ पे ये टू फुलफिल मनी नीड्स के नीचे ये स्क्वायर में पर्सनल लोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर्सनल लोन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब पर्सनल लोन क्योंकि सैलरीड क्लास लोगों को ही मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस लोन मिलता है, दोनों एक ही बात लेकिन नाम अलग अलग है। अगर आप जॉब करते हो सैलरीड हो तो ही उसे आप वही तो ही पर्सनल लोन ले सकते, तो अगर खुद का बिजनेस करते हो तो पर्सनल लोन नहीं मिलता, पर्सनल लोन सिर्फ जॉब करने वालों को मिलता है। अगर बिजनेस करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एक ही बात है पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करो, ठीक है, बाकी सारे इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट सब चीजें सिमिलर रहती हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पे मैं ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। देखो यहां पे ऑप्शन दो दिखा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल भी दिखा रहा है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको बिजनेस लोन वाले पेज पे ले जाएगा, ठीक है। सैलरीड पे क्लिक करोगे तो हम पर्सनल लोन पे ही चलते चलेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सैलरीड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछा है कि क्या आपका HDFC बैंक के साथ कोई अभी तक अकाउंट है, तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं यहाँ पे नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, पहले वाले ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है, देखो ऊपर लिखा हुआ डू यू हैव एनी HDFC बैंक प्रोडक्ट, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ना क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो आई डोंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये मुझसे बोल रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लूंगा, फिर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी मैं यहां एंटर कर दूंगा। अब नेक्स्ट पेज पर दो ऑप्शन दिखा रहा है कि KYC कैसे करना चाहते हो, ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन तो यह है कि eKYC करना चाहते हो, और दूसरा ऑप्शन यह है कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हो। तो eKYC का जमाना है, ओटीपी मेरे फोन पे आ जाएगा जैसे ही मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, तो eKYC के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सामने चूज एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज पर मुझे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेरे जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी HDFC बैंक की तरफ से आ जाएगा, वो ओटीपी मैं यहां पे एंटर कर दूंगा, उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये मेरी सारी की सारी डिटेल्स दिखा रहा है, पर्सनल डिटेल्स, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर दो, जो जो पेंडिंग है वो आप सारी की सारी यहां पर भर दो। अब यहां पे आपसे सारी चीजें पूछ रहे हैं कि ठीक है आप सैलरीड हो तो आप कौन सी कंपनी में सैलरीड हो, उसके बाद आप जिस कंपनी में सैलरीड हो वहां पे आपको एक ऑफिशियल ईमेल आईडी मिली होगी ना, जैसे हम जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, ऐसी आपकी जो कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो मेरा चैनल XY Axis एजुकेशन है, तो जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको एक ईमेल आईडी मिली होगी कि @XYAxisEducation.com, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मैंने अपनी एंटर कर दी, जो मेरी ऑफिस की ईमेल आईडी है, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी जब आप एंटर करोगे तो उस ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो आपको एंटर करके नीचे यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ये सारी बेसिक सी डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी एंटर करने के बाद सबसे नीचे आपको जो है
चेक लोन एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये ऑटोफिल सारी डिटेल दिखा रहा है कि आपकी ये लोन एलिजिबिलिटी है, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखा रहा है। आपको नीचे स्क्रॉल करते चले जाना है और नीचे आपको अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पर फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है कि हाल फिलहाल आप कहाँ रहते हो, कहाँ बैंक आपसे डील करेगा। तो जहाँ पे भी हाल फिलहाल आप रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे आप पूरा का पूरा एंटर कर देना। सबसे पहले नंबर पर ही आपसे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी भी पूछ रहा है। पीछे तो हमने प्रोफेशनल ईमेल आईडी डाली जो कंपनी की ईमेल आईडी थी जहाँ आप जॉब कर रहे हो, फिर यहाँ पे आपसे पर्सनल ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो पर्सनल ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर देना, नीचे आपका पूरा एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी पे जो भी ओटीपी गया है वो ओटीपी भी आप यहाँ पे डाल देना और वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये सब कुछ वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे दो रेफरेंस मांग रहे हैं। तो किसी की भी डिटेल आप दे सकते हो, अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, बस एक रेफरेंस। मान लो आपने अपने भाई की दे दी, दोस्त की दे दी, एक रेफरेंस है, जस्ट वो मे बी फोन करके कंफर्म कर लें कि जो भी है, मतलब वेरीफाई कर लें, क्रॉस वेरीफाई कि जो आपने पीछे डिटेल्स डाली हैं वो ठीक डाली हैं या नहीं डाली हैं, बस एक रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है कि कौन से अकाउंट में आप ये पर्सनल लोन लेना चाहते हो। तो यहाँ नीचे बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल के नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपको आपकी फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना है। इनकम प्रूफ में जैसे आप अपनी कोई भी इनकम प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 होता है जो लोग जॉब करते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये जब आप अपलोड कर दोगे इनकम प्रूफ ही तो एक प्रूफ है ना कि बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, बैंक आपको लोन दे रहा है, यही तो एक प्रूफ है। तो इनकम प्रूफ डाल दोगे, फोटो आप अपलोड कर दोगे, बैंक यहाँ से आपको एक तरह से क्रॉस चेक कर लेगा कि आपने जो डिटेल डाली है वो ठीक डाली है। तो ये जैसे ही आप अपनी सैलरी स्लिप या जो भी वो है ऑप्शन है उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दोगे, एट द एंड नीचे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और अगर आपकी सारी चीज़ें आपने ठीक डाली हैं तो जो भी लोन के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है, वो आपको शो करेगा। उस लोन के लिए फिर आप एक तरह से फाइनली जब सबमिट करोगे तो वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था ऑनलाइन। अगर आप क्या सिबिल स्कोर वगैरह, सैलरी वगैरह सब चीजें अगर आपके पास हैं तो घर बैठे बैठे भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको यही कहा कि आपको अप्लाई करना चाहिए ब्रांच में जाके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।